अजय आलोक जी आप बराबर नहीं, अजय आलोक जी दूसरी पार्टियों को तोड़कर अपना कुनबा मजबूत करेंगे आप? शिरीन जी सही बात है, हम राजनीतिक दल हैं और हम सत्ता में आना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है, एक रत्ती भी लेश मात्र इसमें झूठ नहीं, लेकिन हम सत्ता में आना चाहते हैं देश के लिए काम करने के लिए, अपने आप को खपाने के लिए, और खपा के हमने सत्ता पाई है, कोई बैठे बिठाए हमें परिवार में सत्ता नहीं मिल गई। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे अपने बहुमत पे पहली बार 2014 में सत्ता आई, उससे सत्ता में आई, और इस 9 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया उसके देश की सूरत और सीरत दोनों बदल गई है। हम सत्ता में इसलिए नहीं आना चाहते कि हमें एक परिवार का भला करना है, हम सत्ता में इसलिए नहीं आना चाहते कि हमें देश को गुलामी की मानसिकता में 75 साल ले जाना है, हम सत्ता में इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि ब्रिटिश की कॉलोनियल मानसिकता का शिकार होकर हम चलते चले, हम सत्ता में इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि हमें लोगों का हाथ थाम लेंगे, हम सत्ता में तो फिर पूछा जाएगा ना आपसे कि जिन लोगों को आप भ्रष्टाचारी करते कहते रहे आज उनके साथ सरकार में बैठे हुए हैं। नहीं मैं ये सब ऐसा बिल्कुल नहीं है, 70,000 करोड़ रुपए का एनसीपी पे हमारा भ्रष्टाचार का आरोप है और वो आरोप हमने नहीं लगाया, उसकी जांच चल रही है बकायदा। अजीत पवार की अगर आप बात करते हैं, अजीत पवार की बात करते हैं तो जो इतना जोर से ठहाके लगा के हंस रहे हैं, मां विकास अघाड़ी की सरकार बनी थी तो 72 घंटे के अंदर सचिन सावंत जी की पार्टी, शिवसेना उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री, उन्होंने अजीत पवार को क्लियरेंस दी थी, दो दो ईडी के केस चल रहे थे, एक ईडी केस में क्लियरेंस हो गई, दूसरे में जांच चल रही है, ना बचा रहे हैं, गलत बात कह रहे हैं, गलत बात, झूठ मत बोलिए, देखिए झूठ नहीं बोलना है, एक मिनट नहीं लगेगा सरकार अगर गठबंधन से बाहर जाने में, एक मिनट बीच में मत बोलिए, गलत बोल रहे हो, बीच में मत बोलिए, एक परिवार के लिए, शिरीन जी एक परिवार के लिए सत्ता नहीं है, एक परिवार के लिए सत्ता नहीं है, गांधी परिवार, गांधी परिवार की सोच से भारतीय जनता पार्टी नहीं चलती है, जो नेहरू की सोच हुई कि 100 साल एक विजन था कि मैं सत्ता में आया हूं तो अगले 100 साल तक मेरे ही परिवार का, मेरी बेटी या उसका बेटा वही रहे, और उसके हिसाब से उन्होंने हिंदुस्तान बनाया, इसलिए हिंदुस्तान की प्रगति इतनी कम हुई, 9 वर्षों में जो प्रगति हमने की है वो 75 वर्षों से दोगुनी से ज्यादा रफ्तार से, किस बात से जलन है भाई, हमारी प्रगति की, देश की प्रगति की रफ्तार से जलन होने लगी है कांग्रेस पार्टी। अब जवाब लेते हैं सचिन जी जल्दी से, सत्ता में नहीं आएंगे, यहाँ झाल बजाने आए, देखिए ठीक है, इससे बड़ा झूठ फरेब, देखिए आप देखिए देखिए ऐसा है शिरीन जी, इनको आरएसएस की शाखा से झूठ बोलने की शिक्षा मिलती है, तो इसमें मुझे मैं कुछ आपत्ति नहीं रखना चाहता हूं। अब ये कह रहे हैं हमने आरोप नहीं लगाया था 70,000 करोड़ का, अरे भैया 5 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आरोप लगाया था एनसीपी के ऊपर, ये कब मैंने बोला, रुपया उसमें बैंक घोटाला हुआ, सिंचाई घोटाला, 70,000 करोड़ की जांच चल रही है, मैंने आरोप लगाया था, झूठ में बोलिए अजय, अरे एक मिनट, 70,000 करोड़ सुनिए अजय आलोक जी, झूठ मत बोलिए, 14 लाख झूठे हैं आप, झूठे हैं, बेल पे हैं ना राहुल गांधी, सुनिए सुनिए राहुल गांधी बेल पे हैं, 70,000 करोड़ रुपया राहुल गांधी बेल पे हैं, सुनिए ना राहुल गांधी बेल पे हैं या नहीं, झूठे, सोनिया गांधी बेल पे हैं, क्या आए तुम्हारे, और भी मेहमान है मेरे साथ, जल्दी से सचिन जी जल्दी से खत्म कीजिए अपना, देखिए प्रधानमंत्री जी ने 27 जून को प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया था एनसीपी के ऊपर कि 70,000 करोड़ रुपया का गमन उन्होंने किया है, सभी घोटालों का नाम लिया था, सिंचाई घोटालों का, और मैं अजय आलोक जी को बताना चाहता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी की गठबंधन की सरकार थी जो 3 दिन में फडणवीस जी ने उनको क्लीन चिट दी थी, एमबीए ने नहीं दी थी, उन्होंने दी थी, और अभी जब ये 70,000 करोड़ का गमन इन्होंने किया है, अगर वो सरकार तो 24 घंटे भी नहीं चली थी, अलग आ जाओ, तकलीफ होती, देखिए तकलीफ होती है, जानकारी पुख्ता करके आया कीजिए, उसके बाद मैं ये आरोप लगाना चाहता हूँ, आप ये 70,000 करोड़ रुपए का कितना पैसा भारतीय जनता पार्टी को मिला है ये भी बताएं, वहां संगमा के ऊपर आरोप लगाते भ्रष्टाचार का, उनके साथ में गठबंधन करते हैं, तो ये कौन सी वॉशिंग मशीन लेके आए मोदी जी, और जब मोदी जी ने यह आश्वासन दिया था 2014 में कि मैं वॉशिंग मशीन लेके आऊंगा और सब भ्रष्टाचारी को मेरे पार्टी में लेके उनको धुलाई करें, लेकिन अभी भले ही वो चिटक कर दूसरी तरफ चले गए हो, कल तक तो आप ही लोगों के साथ थे ना, सवाल इसलिए भी उठता है, ठीक है शक्ति यादव जी के पास हमने आरोप नहीं किए थे ना, ठीक है सचिन जी प्लीज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News आपको रखे आगे।